तो फिर जो 10% हमारे स्वर्णो भाई का जो रिजर्वेशन दिया गया है उस पर क्यों नहीं वर्गीकरण होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि जो 10% आरक्षण दिया गया है स्वर्णो भाई को उस पर भी वर्गीकरण होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक News24 देख रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बिहार में जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार इनडी गठबंधन के तमाम और राजद के तमाम नेताओं के द्वारा जो है आवाज़ उठाई जा रही है, ऐसे में लगातार जो है विवादों का जो चर्चा है बाजार जो है वो गर्म हो रहा है। ऐसे में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार साधु हैं जो कि SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है, आरक्षण का जो प्रतिशत आप लोगों ने बढ़ाने का जो मांग किया था उसको खारिज कर दिया है माननीय हाईकोर्ट ने, क्या लग रहा है आपको? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय न्यायाधीश जी को फिर से पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जहाँ थे आज वहीं हैं। उन्हें ठगा गया, उन्हें मुखधारा से अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी छुआछूत उनके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब को आज भी जानवर से बदतर की स्थिति में है। मैं भारत सरकार से और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, पुनः भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को और जो खासकर जो दलित समाज के जो नया जो मंत्री केंद्र में मंत्री बने हैं उनसे भी मैं अपील और आग्रह करूंगा कि आप आरक्षण के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी के सरकार से इस्तीफा दें और बहुजनों की लड़ाई के लिए आप सड़क पर उतरें। अच्छा, दूसरा सवाल, अभी जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, आप दलित समुदाय से आते हैं, SC ST में जो है वर्गीकरण किया है, उन चीज़ों को कैसे लगते हैं कि सचमुच में ऐसा होना चाहिए कि जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है उनको ये जो आरक्षण मिलता है उनको छोड़ देना चाहिए, जो गरीब तबके लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इससे सहमत है ना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर जो है प्रतिक्रिया दे दिया है, कहा है कि वर्गीकरण होना ज़रूरी है। देखिए, जहाँ वर्गीकरण की बात है, तथाकथित अपने आप को दलित के नेता समझने वाले कुछ साल पहले चिराग पासवान जी का भी बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, ये तो जरूरी भी है ना सर। उसी पेटेंट पर जीतराम मांझी जी का भी बयान आया था कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। तो मैं ये दोनों नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, एक कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, उपदेश देते हैं, आज दूसरी तरफ वो रिजर्व सीट से उनके परिजन के लोग चुनाव लड़ते हैं। दूसरा आदरणीय जीताराम मांझी कहते हैं कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, तो रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं, रिजर्व शेड्यूल कास्ट के नाम पर क्यों मंत्री बने हैं? दोनों नेता शेड्यूल कास्ट के नाम पर मंत्री बने हैं, उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। और यदि माननीय न्यायाधीशों के द्वारा फैसला लिया गया कि कोटा में कोटा, तो फिर जो 10% हमारे स्वर्णो भाई का जो रिजर्वेशन दिया गया है उस पर क्यों नहीं वर्गीकरण होना चाहिए? मैं मांग करता हूँ कि जो 10% आरक्षण दिया गया है स्वर्णो भाई को उस पर भी वर्गीकरण होना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री, तो हर वर्ग को जो आरक्षण मिला है, आरक्षण की जो प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है, सबों में ना तो वर्गीकरण होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि दलित और सवर्ण ही, मतलब ऐसा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब न्यायालय ने फैसला लिया, सात बेंच के जजों ने फैसला लिया, उसमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितनों शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, कि एक पक्षीय फैसला आप लेंगे। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो दलित तथाकथित जो दलित के नेता हैं उन्हें भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इस्तीफा देकर सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए।
मैं मांग करता हूं तेरे देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या बताओ कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो न्यायालय हैं उसमें कितने शेड्यूल कास्ट के जज हैं, कितनों शेड्यूल ट्राइब के जज हैं, कितने पिछड़े जज हैं, कितने अति पिछड़े जज हैं, उसका भी वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है सर, तो आप दो पहलू को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिनका आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उनको सही में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कि वो आरक्षण छोड़ दे, जो उसके बाद ही जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिल पाएगा, क्योंकि आरक्षण अगर सबों को देते रह गए तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ी आर्थिक स्थिति से जो हैं वो तो पीछे का पीछे ही रह जाएंगे। इसी कारण से तो गाँव के लोग जो है अभी तक अब तो बहुजन को लड़ाई लड़नी चाहिए, बहुजन को सड़क पर निकलना चाहिए कि आप रिजर्वेशन आरक्षण क्यों कर रहे हो, आरक्षण है कहाँ। बिहार सरकार तो सब जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी सबको तो निजीकरण कर रही है, तो आरक्षण है कहाँ। अब तो मैं मांग मेरी व्यक्तिगत राय है कि सरकार को यदि आरक्षण खत्म करना चाहती है नरेंद्र मोदी, तो हमें पूना पैक्ट चालू करे, पूना पैक्ट चालू करे जो बाबा साहब चाहते थे। आरक्षण है कहाँ, सब तो निजीकरण हो रहा है, रेल निजीकरण, सब BSNL निजीकरण, सब तो निजीकरण हो रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ है। इसलिए मैं दोबारा मांग करता हूँ कि वर्गीकरण जो स्वर्णो भाई को जो 10% आरक्षण दे दिया गया है उस पर भी वर्गीकरण हो, और वर्गीकरण हो कि जितने हमारे पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में या विभिन्न हाई कोर्टों में कितना शेड्यूल कास्ट के जज हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने OBC हैं, कितना पिछड़ा है। आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी, आप लोग कहां तक लोगों को समर्थन करिएगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अपने नेता की वर्गीकरण जो स्वर्णो भाई को जो 10% आरक्षण दे दिया गया है उस पर भी वर्गीकरण हो, और वर्गीकरण हो कि जितने हमारे पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में या विभिन्न हाई कोर्टों में कितना शेड्यूल कास्ट के जज हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने OBC हैं, कितना पिछड़ा है। आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी, आप लोग कहां तक लोगों को समर्थन करिएगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अपने नेता तेजस्वी यादव जी को कि सब किस 9वीं सूची में शामिल करे भारत सरकार आरक्षण को, और नहीं तो हमारा नेता राष्ट्रीय जनता दल 5 तारीख को हम लोग सड़क पर निकलेंगे, 9वीं सूची में शामिल करें। ये थे हमारे साथ अनिल कुमार साधु, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि अति पिछड़ा में जो वर्गीकरण हुआ है, क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा पटना, धन्यवाद।